नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण वर्मा और आप देख रहे हैं मंजिलें। दोस्तों, आज तक हम आपके सामने लेकर आए कुछ बेहतरीन कलाकारों को जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया। लेकिन क्या एक अच्छे एक्टर के होने से फिल्म अच्छी बन जाती है? नहीं, क्योंकि उसके पीछे होती है एक अच्छी स्क्रिप्ट और एक सेट विजन, और वो विजन होता है डायरेक्टर का। डायरेक्शन की बारीकियों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रहस्य फिल्म के डायरेक्टर मनीष गुप्ता जी। आइए एक नजर डालते हैं इनके फिल्मी करियर पर। मनीष गुप्ता ने 1994 में बैंड्रा के एक कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लंबे समय तक नौकरी करने के बाद मनीष गुप्ता ने डिसाइड किया कि अब उन्हें अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में बनाना है। इसकी शुरुआत उन्होंने एक एड एजेंसी से की। इसी दौरान मनीष गुप्ता की मुलाकात हुई राम गोपाल वर्मा से और उन्होंने राम गोपाल वर्मा को अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट सुनाई। राम गोपाल वर्मा को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी फिल्म सरकार लिखने को कहा। मनीष गुप्ता की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म डरना जरूरी है, जिसमें 6 अलग अलग डायरेक्टर्स ने 6 अलग अलग स्टोरीज डायरेक्ट की थी, और उसके बाद मनीष गुप्ता को लगा कि अब उन्हें एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम करना चाहिए। उन्होंने द स्टोन मैन मर्डर्स डायरेक्ट की, जो 13 फरवरी 2009 को रिलीज हुई। एक और मर्डर हो गया। हो सकता है कोइंसिडेंस हो सर, या फिर हो सकता है कि ऐसा आदमी हो, इसकी साइकोलॉजी, यू नो हु वांट्स अटेंशन। मनीष गुप्ता ने रैगिंग के मुद्दों पर आधारित एक फिल्म हॉस्टल भी डायरेक्ट की है। मनीष गुप्ता की लेटेस्ट फिल्म रहस्य स्टारिंग के मेनन, टिस्का चोपड़ा और आशीष विद्यार्थी थी, जो कि आरुषि मर्डर केस पर आधारित होने की वजह से काफी विवादों में रही। लेकिन अंत में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनीष गुप्ता के हक में फैसला सुनाया। All the bloody proof is against me. I didn't kill my daughter, damn it! परस्कर, सुनील परस्कर, सीबीआई। पोस्टमार्टम में ये भी लिखा है कि जो कट था ना गर्दन पे आयशा के, वो एक सिंगल स्टडी कट था। तुम तो पिए हुए थे ना? फिर नीट एंड क्लीन कट तो तुम्हारे हाथों से हो ही नहीं सकता। Exactly. अभी हाल ही में मनीष गुप्ता को सम्मानित किया गया द लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल टेलीविजन एंड क्लब बाय एशियन एकेडमी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि डायरेक्शन की शुरुआत कैसे हुई आपको? कब पहली बार लगा कि आपको डायरेक्टर या राइटर बनना चाहिए? मुझे तब लगा कि मुझे डायरेक्टर बनना चाहिए जब मैंने देखा कि दूसरे डायरेक्टर्स मेरे स्क्रिप्ट के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तब मुझे लगा कि मुझे अभी डायरेक्टर बनना चाहिए। जी, उससे पहले मैं राइटर था। मैंने मिस्टर राम गोपाल वर्मा के लिए कई फिल्में लिखी और मुझे डायरेक्शन में पहला ब्रेक दरअसल उन्होंने दिया था। एक मूवी थी डरना जरूरी है। जी हाँ। उसमें 6 डायरेक्टर थे और 6 स्टोरीज थी। जी। तो एक स्टोरी उन्होंने मुझे डायरेक्ट करने के लिए दी। जी। उन्होंने मुझे ये चांस इसलिए दिया क्योंकि मैंने उनकी कई फिल्में लिखी थी। मैंने पहले तो उनकी फिल्म सरकार लिखी थी। जी। उसके बाद मैंने डी जेम्स और खुद डरना जरूरी है, ये फिल्म मैंने उनके लिए लिखी थी। तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन में ब्रेक दिया। उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि सरकार को छोड़कर जो बाकी फिल्में थी उनमें जो डायरेक्टर थे वो उन स्क्रिप्ट के साथ जस्टिस नहीं कर पाए। जी। और कहीं ना कहीं क्या होता है, जब आप एक राइटर हो और कोई और डायरेक्ट कर रहा है, तब क्या होता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा हो जाता है कि डायरेक्टर कुछ चाहता है, राइटर कुछ चाहता है, प्रोड्यूसर कुछ चाहता है, एक्टर कुछ चाहता है, तो काफ़ी इसमें काफ़ी खिचड़ी पक जाती है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि एक बेहतर तरीका ये है कि अगर मैंने एक कहानी लिखी है, अगर मैंने स्क्रीन प्ले लिखा है, तो उसे मैं ही डायरेक्ट करूँ। जी। ताकि जिस तरह मैं इमेजिन कर रहा हूँ उसे, तो मैं उसको उसी तरह फिल्म करूँ। जी। तब मैंने डिसीजन ली और उसके बाद डरना जरूरी डायरेक्ट करने के बाद मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया और मैंने कई फिर फिल्में डायरेक्ट की। मेरी पहली फिल्म इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज फुल फ्लेज्ड फिल्म जो मैंने डायरेक्ट की सबसे पहले एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो थी द स्टोन मैन मर्डर्स। राइट। उसके बाद मैंने हॉस्टल नाम की फिल्म डायरेक्ट की। जी हाँ। और फिर मैंने अभी रहस्य डायरेक्ट की। ओके। हॉस्टल आपकी रैगिंग के बेसिस पे थी। सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद आपने 6 साल जॉब किया। बिल्कुल। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर का ट्रांसफॉर्मेशन एक राइटर में, पहले हॉबी थी। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने 6 साल
मैकेनिकल इंजीनियर का काम भी किया जी। तब उस दरमियान मुझे ये लगा कि ये वो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं दरअसल लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं अपनी कहानियां दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ, यही मैं करना चाहता हूँ, मेरे लाइफ का मोटिव ही ये है। लेकिन उस जमाने में ऐसी अच्छी फिल्में बनती नहीं थी जी। तो वो फिल्में बिल्कुल मेरे पसंद की नहीं थी फिल्में, वो फिल्में मुझे, मेरा वो टेस्ट नहीं था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे एडवर्टाइजिंग में जाना चाहिए जी, जहाँ क्योंकि एडवर्टाइजिंग में जो एड फिल्म्स बनती हैं उनमें मुझे एक थोड़ी क्रिएटिविटी, मुझे लगा कि यहाँ कुछ अच्छा करने को मिलेगा। तो फिर मैंने एड एजेंसी ज्वाइन की, मैंने 3 साल एड एजेंसी में काम किया। अब इस समय मिस्टर राम गोपाल वर्मा सीन पर आए और उन्होंने कई अच्छी सारी फिल्में बनाई, कंपनी बनाई। मैंने कंपनी जब देखी तो मैं काफी प्रभावित हुआ और मैंने सोचा हाँ मुझे ऐसी फिल्म बनानी है जी, मेरे को इनके साथ काम करना है, मुझे बस इन्हीं के साथ काम करना है और किसी डायरेक्टर के साथ मुझे काम नहीं करना है। तो तब मैंने सिर्फ उनके साथ ही कोशिश की और किसी डायरेक्टर के साथ कोशिश नहीं की। मैं बिल्कुल ही फोकस्ड था अपने थॉट में कि ये इस इंसान के साथ मुझे काम करना है, इतना ज्यादा प्रभावित हो चुके थे, हाँ हाँ इस इंसान के साथ काम करना है, मुझे इसी टाइप की फिल्म बनानी है। तो मैंने उनको अप्रोच किया, लेकिन वो तो बहुत बड़े डायरेक्टर थे उस जमाने में जी, अप्रोच करना काफी मुश्किल रहा और मुझे 1.5 साल लगा। 1.5 साल के बाद ही उन्होंने मुझे चांस दिया। मैं 1.5 साल तक उन्हें अप्रोच करता रहा, मिलता रहा, फोन करता रहा, मैसेज करता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ खास एंटरटेन नहीं किया। 1.5 साल के बाद जब उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट, तंग आकर मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी जी, तब उन्होंने सोचा अरे वो तो बड़े बढ़िया स्क्रिप्ट है और ये अच्छा राइटर है, और उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में ले लिया। उसके बाद उनकी चारों फिल्में, उस वक्त की चारों फिल्में जो बन रही थी वो सब मैंने लिखी जी। इनका नाम है एक सरकार, सबसे पहली जो सरकार थी, उसके बाद डी, फिर जेम्स और फिर डरना जरूरी है। अब जब डरना जरूरी बन रही थी जो मैंने लिखी, तो उसमें 6 कहानियां थी और 6 डायरेक्टर थे, तो उनमें से एक कहानी उन्होंने मुझे डायरेक्ट करने के लिए दी, तो वहां से मेरी डायरेक्शन की शुरुआत हुई। उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सरकार को छोड़कर जो बाकी फिल्में हैं उनमें मेरी स्क्रिप्ट पर इतना जस्टिस नहीं हो पाया, और मैंने ये भी सोचा कि शायद जो डायरेक्टर है उसकी विजन कुछ और थी और मेरी विजन कुछ और थी जी, तो इसमें जरा तालमेल नहीं रहा, तो वो डायरेक्टर की भी गलती नहीं है जी जी। तो मैंने सोचा कि बेहतर ये है कि मैं कोई कहानी लिखूं तो उसे मैं ही डायरेक्ट करूं, ताकि जो राइटर है और डायरेक्टर है, क्योंकि वो सेम आदमी है, तो वो दोनों 100% सेटिस्फाइड होंगे जी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं खुद ही लिखूंगा और खुद ही डायरेक्ट करूंगा। बिगनिंग ऑफ द करियर पे आपकी शमित अमीन जी से कुछ अनबन हुई थी, हाँ उसका रीजन क्या था? हाँ ये हुआ था कि मैंने, राम गोपाल वर्मा ने मुझे इसलिए अपने ग्रुप में लिया था क्योंकि मैंने दया नायक करके जो एनकाउंटर कॉप है उनके ऊपर काफी रिसर्च की थी, तो वो रिसर्च मटेरियल मैंने राम गोपाल वर्मा को दिखाया था जो उनको अच्छा भी लगा था जी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि शमित अमीन से मिल लो और उनके साथ उनके ग्रुप में आ जाओ, तुम उनके के साथ काम करो तुम। लेकिन शमित अमीन ने मुझे चांस नहीं दिया, बिल्कुल चांस नहीं दिया। मैंने काफी उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, महीनों भर उनके साथ रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि मुझे एक पैसा नहीं चाहिए काम के लिए, मैं मुफ्त में काम करने का तैयार हूं। उन्होंने फिर भी मना कर दिया। फिर मैंने कहा कि मुझे बस 15 दिन में शूटिंग के 15 दिन में एक दिन आने दीजिए, और उसने वो भी मना कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आया वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मैं समझ गया कि ये नहीं चाहता है, कि मुझे टीम में लेना नहीं चाहता है जी, उसकी वजह तो वही जाने। तो मैंने सोचा चलो अभी रामू जी जो राम गोपाल वर्मा है उन्हीं से वापस, उनको ही वापस रिक्वेस्ट किया जाए। तो फिर मैं उनके साथ मिलता रहा, वापस अपनी स्टोरीज बताता रहा। तो उन्होंने देखा कि मेरी राइटिंग अच्छी है और उन्होंने मुझे सरकार की स्क्रिप्ट लिखने बोला। ये शमित अमीन जी ने जो आपको निग्लेक्ट किया, इसका कोई बुरा प्रभाव राम गोपाल वर्मा जी पर पड़ा कि उन्होंने कहा कि अगर उसने निग्लेक्ट किया तो कुछ तो बात होगी? हाँ हाँ बिल्कुल, बुरा प्रभाव भी पड़ा था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर शमित ने टीम में नहीं लिया है जी तो शायद यू नो शायद हाँ तो शायद इसका काम अच्छा नहीं होगा, उनको ये सोचने लगा। लेकिन जब मैंने अपनी स्क्रिप्ट दी उनको और उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो समझ गए कि ये तो बहुत अच्छा राइटर है जी, तो इसको तो लेना ही चाहिए, तो उन्होंने ले लिया मुझे। तो अब तक 56 से भी बड़ी फिल्म सरकार उन्होंने मुझे लिखने दे दी जी। तो ये एक तरह से मेरे लिए अच्छा ही हुआ जी, कि जो असिस्टेंट ने मुझे काम नहीं दिया लेकिन बॉस ने मुझे काम दे दिया, तो एक तरह से अच्छा ही हुआ एक तरीके। तो मैं शमित अमीन का शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चांस नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे एक बेहतर चांस मिला जी। सर कोई ऐसा इंसिडेंट लाइफ में कि आपने कोई ऐसा फेलियर हो जिसके जिससे आपने सीखा हो और आपने नेक्स्ट टाइम अप्लाई किया हो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने जो पहली फिल्म बनाई थी डरना जरूरी है जी, और अभी जो मैंने फिल्म बनाई है रहस्य,
इन दोनों फिल्मों के बीच मैंने बहुत सारा बहुत कुछ सीखा है जी। मैं कहूंगा जैसे एक आदमी हाथ साफ करता है, मैं सोचूंगा अभी रहस्य वह फिल्म है जहां मैं डायरेक्शन को पूरी तरह सीख पाया हूं। इसके पहले जो मैंने फिल्में बनाई मैं सिर्फ हाथ साफ कर रहा था जी। क्योंकि जो टिपिकली डायरेक्टर जो होते हैं वो पहले या तो कोई एड फिल्म डायरेक्ट करते हैं या सीरियल डायरेक्ट करते हैं या किसी डायरेक्टर के साथ एसोसिएट डायरेक्टर रहे होते हैं या कोरियोग्राफर रहे होते हैं, उनको शूटिंग का एक्सपीरियंस होता है जी। जो कि मुझे नहीं था, मैंने डायरेक्टली डायरेक्शन की क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी स्ट्रांग लगी, सब प्रोड्यूसर्स को मेरी राइटिंग इतनी स्ट्रांग लगी कि उन्होंने मुझे डायरेक्टली राइटिंग के बेसिस पे डायरेक्शन का चांस दिया जी। तो जबकि मैंने फिल्म तो बनाई और अच्छी बनाई जी, लेकिन ये इसमें मेरी लर्निंग थी जी। मैं पहली तीन फिल्मों में सीख रहा था कि फिल्म कैसे बनाई जाती है, ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है, यू नो कैसे स्क्रीन पे ड्रामा कैसे क्रिएट किया जाता है, प्रोडक्शन कैसे संभाली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये थी कि प्रोडक्शन कैसे संभाली जाती है, फाइनेंस कैसे क्रिएट किया जाता है, एक्टर्स को कैसे रोप इन किया जाता है। ये जो प्रोडक्शन की लर्निंग थी वो ज्यादा थी, क्रिएटिव लर्निंग से ज्यादा प्रोडक्शन की लर्निंग थी जी। वो सब कुछ मैंने रहस्य में अप्लाई किया, इसलिए आप देखेंगे कि रहस्य इज माय बेस्ट फिल्म टिल डेट। बिल्कुल, मैं सोचता हूं कि डायरेक्शन, मेरा डायरेक्शन का करियर अभी रहस्य के बाद चालू हुआ है जी। उसके पहले तो मैं सीख रहा था, मैं ये कहूंगा। बिल्कुल, रहस्य की कास्टिंग किस तरीके से आपके के मेनन जी ने किया है और कई बेहतरीन कलाकार हैं उसमें, वो कैसे आपने इनिशिएट किया? के मेनन से मेरी पुराने संबंध है क्योंकि सरकार में वो थे, तभी हमारा अच्छा रिलेशन फॉर्म हुआ। फिर स्टोनमैन मर्डर्स में वो थे, मेरी पहली फिल्म में थे जी। तो फिर रहस्य में भी मैंने उन्हें कास्ट किया और अभी आगे की फिल्मों में मैं उन्हें कास्ट करने का सोच रहा हूँ। प्रोड्यूसर्स को कन्विंस करना जो कि बहुत बड़ा टास्क है कि आपके पास एक स्क्रिप्ट है और बहुत सी फिल्में बनती हैं, जबकि वायाकॉम 18 जैसा एक आपको अगर बैकिंग दे रहा है, उनको कन्विंस करना कैसा रहा? वायाकॉम 18 दरअसल थोड़ा बाद में आए थे फिल्म के अंदर, मैंने फिल्म पूरी बना ली थी, मैंने एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर से मैंने फाइनेंस रेज किया जी और मैंने पूरी फिल्म बना ली और बनाकर मैंने वायाकॉम 18 को दिखाई। तो जब मैंने वायाकॉम 18 को दिखाई तो उनको बहुत पसंद आई फिल्म, उन्होंने तुरंत खरीद ली और फिर रिलीज की जी। फिल्म बहुत अच्छी थी सर, क्या इसके पीछे आपके काम करने के पीछे एक टीम है? डू यू बिलीव इन वर्किंग विद टीम? यस, आई बिलीव इन वर्किंग इन अ टीम, मेरी काफी अच्छी टीम है, लेकिन मैं काफी काम है जो मैं खुद अकेले करता हूँ। जैसे मैं पूरे फिल्म का स्टोरी बोर्ड बनाता हूँ, मैं खुद अपने हाथ से बनाता हूँ जी। मेरे साथ एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट जरूर रहता है, लेकिन वो उसमें ड्रॉइंग मैं खुद पहले खुद करता हूँ, फिर मैं स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करता हूँ। फिर जो राइटिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग्स हैं, ये तो सब मैं खुद ही लिखता हूँ जी। तो मैं बिलीव करता हूँ टीम वर्क में, लेकिन मैं काफी सारा काम खुद भी करने में बिलीव करता हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ लोग आपके साथ एसोसिएटेड हुए और वो लॉन्ग टाइम तक अभी भी हैं? बिल्कुल, वायाकॉम 18 के साथ मेरा लंबा रिश्ता है, रहस्य उन्होंने मेरे साथ प्रोड्यूस की है, रहस्य प्रोड्यूस की उन्होंने, और आगे चल के भी मैं उनके साथ बहुत सी फिल्म्स कर रहा हूँ। और जो राम गोपाल वर्मा के साथ मैंने कई फिल्में, 4-5 फिल्में की हैं उनके साथ जी। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि कुछ कुछ लोग हैं जिनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और मैं करना भी चाहता हूँ जी। सर, एक आजकल बहुत तरीके की फिल्म आती है, आर्ट फिल्म है, कॉमर्शियल फिल्म है, बहुत कुछ है, तो एक अच्छी फिल्म की परिभाषा आपके नजरों में क्या है? जो लोगों का मनोरंजन करे वो अच्छी फिल्म है जी। क्राइटेरियन ये है अच्छी फिल्म का कि उसका जो जॉनर है, उसका जो उस जॉनर से जो रिएक्शन एक्सपेक्टेड है जी, वही रिएक्शन आना चाहिए और अच्छी डिग्री में आना चाहिए, तब वो फिल्म एक अच्छी फिल्म है। जैसे समझो एक हॉरर फिल्म है जी, तो वो देखकर डर लगना चाहिए। अगर एक कॉमेडी फिल्म है तो वो देखकर हंसी आनी चाहिए जी। अगर एक ये सोशली रेलेवेंट फिल्म है तो वो देख के आपको कुछ रियलाइजेशन होनी चाहिए जी। अभी अगर सस्पेंस फिल्म है तो आपका इंटरेस्ट उसमें बने रहना चाहिए कि अभी क्या होगा, अब क्या होगा जी। इस तरह से अगर एक्शन फिल्म है तो वो देखकर आपको एक थोड़ा मजा आना चाहिए, एक एड्रेनलिन पंप मिलना चाहिए जी, तब वो एक सक्सेसफुल फिल्म कहलाएगी। कि उसका जो उस जॉनर का जो रिएक्शन, एक्सपेक्टेड रिएक्शन है, वो पब्लिक में आना चाहिए। पब्लिक की लैंग्वेज बोला जाए, पैसा वसूल होना चाहिए। बिल्कुल, पैसा वसूल होना चाहिए। कभी कभी आप एक डायरेक्टर ने बहुत अच्छी फिल्म बना दी बट उसको डिस्ट्रीब्यूशन उस लेवल का नहीं मिल पाया, मार्केटिंग नहीं मिल पाई, तो वो तो एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि सही बात है कि फिल्म अच्छी बनी है लेकिन वो ठीक से मार्केट नहीं हो पाई, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई, तो उसमें वो डायरेक्टर की गलती नहीं मानी जाएगी, बट मैं कहता हूँ वो जिम्मेदारी डायरेक्टर की ही है। क्योंकि डायरेक्टर को एक फिल्म बनाते समय या बनाने से पहले उसे सोच समझ कर कदम रखने चाहिए कि मैं किस प्रोड्यूसर के साथ, किस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मैं टाई अप कर रहा हूँ और वो किस तरह से इसको प्रमोट करेंगे।
और बाद में जब रिलीज होने वाली होती है फिल्म, तो डायरेक्टर, कोई कोई डायरेक्टर होते हैं जो पुश करते हैं, जो अपनी फिल्म को काफी धक्का मारते हैं और उसको सही रिलीज दिलवाते हैं किसी भी तरह। तो इतनी क्षमता एक डायरेक्टर में होनी चाहिए, क्योंकि आखिर आपका प्रोडक्ट है, अगर वो दुनिया तक ठीक से नहीं पहुंचेगा तो कोई फायदा नहीं है उसका। बिल्कुल। एक प्रोडक्ट बना के घर पे ही देखने के लिए तो नहीं बनाते हैं, हम बेचने के लिए बनाते हैं जी। तो मैं सोचता हूँ कि इंडिया में एक डायरेक्टर को ऑलराउंडर होना पड़ता है जी। तो एक डायरेक्टर को ना ही स्टोरी, कास्टिंग, डायरेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, उसको प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ध्यान देना चाहिए कि उसकी फिल्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक डायरेक्टर का विजन तो बहुत अच्छा होगा कि जब फिल्म बना दी, रिलीज कर दी, बट ऑडियंस के सामने आई तो नहीं। लेकिन डायरेक्टर का विजन जो होता है वो सही है। एक डायरेक्टर का काम होता है कि अपने आप को खुश करना, उसका विजन उसका खुद का होता है, लेकिन उसका विजन लोगों को पसंद भी आना चाहिए जी। कोई कोई डायरेक्टर ऐसे होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ सेल्फ इंडल्जेंट, वो बिल्कुल ऐसी फिल्म बनाते हैं जो सिर्फ उन्हीं को पसंद आती है, वो किसी और को पसंद नहीं आती है, चाहे वो टेक्निकली बहुत परफेक्ट हो फिल्म जी। तो ऐसी फिल्में बना के कोई मतलब नहीं है। एक डायरेक्टर का एक ऑडियंस के साथ कनेक्शन होना चाहिए कि वो बनाए वो जो उसको पसंद है जी, लेकिन ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करे, वो ही एक अच्छा डायरेक्टर बन पाता है। सर, आप फिल्म किस तरीके से बनाते हैं, बजट को माइंड में रखते हुए बनाते हैं कि मैं सिर्फ स्टोरी लिखता हूँ, मैं वो स्टोरी लिखता हूँ जो मुझे लॉजिकल लगती है, मुझे एंटरटेन करती है, और मैं स्टोरी के लिए मेरा टेस्ट ये है कि मैं लिखकर सोता हूँ और मैं अगले सुबह जब उठता हूँ तो मेरे में एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए वो स्टोरी को दुनिया के सामने लाने की जी। जब कोई स्टोरी ऐसी है जिसको, जिसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो स्टोरी मैं उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो ये टेस्ट है स्टोरी के लिए, आप में आपके अंदर इतनी ईगरनेस होनी चाहिए कि ये स्टोरी मुझे दुनिया को सुनानी है जी। तो वो टेस्ट है एक स्क्रिप्ट का कि आपको कौन सी फिल्म बनानी चाहिए। सर, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है बीइंग इन आवर इंडस्ट्री, आपको नहीं लगता कि थोड़ा डिप्लोमेटिक होना चाहिए? मेरा ये मानना है कि अ लिटिल ऑनेस्टी गेन्स अ लार्ज एक्सेप्टेंस जी। अभी आप कह रहे हैं कि ज्यादा करके लोग फिल्म इंडस्ट्री में डिप्लोमेटिक हैं। यस सर। तो मैं भी हर एक दूसरे आदमी की तरह रहूं तो मेरे में और दूसरे में फर्क क्या रहेगा जी? अगर आपको ओरिजिनल रहना है तो आपको कुछ अलग बनना पड़ेगा। जो जिसमें खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है, जो जानता है कि उसमें कितना टैलेंट है, उसमें कितना इंटेलिजेंस है, तो उसमें उसको फिर बनावटी बनने की जरूरत नहीं पड़ती है जी। क्योंकि उसको पता है, वैसे इंसान को पता होता है कि मेरा टैलेंट है, जो मेरा इंटेलिजेंस है वही मेरे काम में आएगा और वही मुझे आगे लेके जाएगा। जो ये सुपरफिशियल फेकनेस है, जो वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे इंसान को, ये मेरा सोचना है। और मैं सोचता हूँ कि ज्यादा बनावटी बन के कोई फायदा नहीं है, कि सामने वाला कोई बेवकूफ नहीं होता जी, वो भी समझते हैं कि अंदर से इंसान क्या सोच रहा है। तो चाहे आपकी जबान बहुत मीठी हो, लेकिन आपकी इंटेंशन अंदर से पता ही चल जाती है जी। तो इससे बेहतर है कि टाइम वेस्ट ना किया जाए और जो मन में है वो बोल दिया जाए, क्योंकि आखिर वही सामने आने वाला है जी। क्या इस बिहेवियर की वजह से कभी आपको लगा कि ऐसा कोई काम बिगड़ गया? कहीं बहुत बार काम बिगड़ा है ऐसे, इस रवैये की वजह से मेरा बहुत सारा काम बिगड़ा है। बहुत से लोगों ने डिसाइड किया कि वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं मेरे इस रवैये से, लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास है कि वो एक दिन वो समझ जाएंगे कि जो मैंने किया वो सही था, जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच था, और वो सच उन्हें कबूल करना पड़ेगा क्योंकि वो बिल्कुल सच था जी। तो वो शायद जब मैंने उन्हें कहा ऐसा तो उन्हें बुरा लग गया और उन्होंने ऐसा सोचा कि ये आदमी इतना इतना रूडली कैसे बोल सकता है, लेकिन क्योंकि जो मैं बोल रहा था वो बिल्कुल सच था, तो आने वाले सालों में ऐसा जरूर होगा कि उनके साथ ऐसा कुछ घटेगा कि वो समझ जाएंगे कि जो मैं बोल रहा था वो सही था, तब वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, तब मुझे वो इज्जत देंगे और तब सोचेंगे वो बंदा सही कह रहा था, चाहे उसकी बात कड़वी थी लेकिन वो सही कह रहा था। तो ये जो ब्रूटल ऑनेस्टी है उसको एक्सेप्टेंस पाने के लिए काफी टाइम लगता है। कोई ऐसा स्पेसिफिकली अगर आप बताना चाहें कि कोई पर्टिकुलर किसी पर्सन के साथ ऐसा हुआ था? अभी पर्टिकुलर क्या बताऊं, मैं सबके साथ ही ऐसा बिहेव करता हूं, तो फिर कोई किसी एक के साथ ऐसे बोल के कोई मतलब नहीं है, मेरा बिहेवियर ही ऐसा है जी। मैं सिर्फ मतलब की बात करता हूँ, मुझे फालतू की प्लेजेंट्रीज में मुझे विश्वास नहीं है और मुझे टाइम भी नहीं है जी। सर, हर डायरेक्टर का एक जॉनर होता है, एक ही तरीके की मूवीज बनाना चाहते हैं, फिल्में बनाना चाहते हैं। आपका जहाँ तक लोग जानते हैं सस्पेंस पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो क्या आप सस्पेंस ही बनाना चाहते हैं? मेरा ज्यादा करके जो मेरा जॉनर है वो सस्पेंस है मैं कहूंगा जी।
लेकिन सस्पेंस के अंदर भी मैं अलग अलग जॉनर्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो आपको मालूम पड़ेगा अभी आने वाले महीनों में अनाउंसमेंट्स होंगी जी। और सस्पेंस को छोड़ के मेरा जॉनर जो है वो आई विल कॉल रियलिज्म। मेरी सस्पेंस मूवीज जो होती हैं उनमें भी रियलिज्म होता है, एक सोशल रेलेवेंस होता है जी। हाँ, रहस्य मूवी पे काफी टाइम तक केस चला था कि वो आरुषि तलवार मर्डर केस की थी, तो क्या वो रियलिज्म वहां से आया था या फिर? हाँ, मैंने कई बार ये कहा है कि लाइफ इमिटेट्स आर्ट एंड आर्ट इमिटेट्स लाइफ। अभी मैं कहूंगा रहस्य ये नहीं कह सकते कि ये आरुषि हत्याकांड पर आधारित है, क्योंकि ये एक फिक्टिशियस कहानी है, रहस्य एक फिक्टिशियस कहानी है जी। लेकिन मैं कहानी जब लिखता हूं तो मैं उसी बेसिस पर लिखता हूं जो मैं अपने आजू बाजू होते हुए देखता हूं जी। मैं देखता हूं कि मेरे आजू बाजू क्या हो रहा है और वहीं से एक कहानी पैदा होती है, क्योंकि कहानी में एक हवा से तो पैदा नहीं कर सकता। बिल्कुल, कहानी कोई भी कहानी किसी और घटना से या किसी की जिंदगी से, या जैसे इंडिया में होता है दूसरी फिल्मों से, यू नो, वहां से डिराइव होती है। तो बस ये कहानी सच्चे केसेस पे से इंस्पायर्ड है। मैं नहीं कहूंगा कि एक ही केस है, जैसे आरुषि केस है, नहीं, ये कई अलग अलग केसेस से इंस्पायर्ड है। अभी एक हाल ही में तलवार मूवी आई है, तो लोगों ने कंपेयर किया कि ये रहस्य भी तो आ चुकी है, तो सेम उसी तरीके की है, तो आपकी मूवी को भी कंपेयर किया गया उससे? हाँ, जैसे कि मैंने कहा रहस्य एक फिक्टिशियस मूवी है जी, ये एक सस्पेंस स्टोरी है, ये एक सीबीआई डिटेक्टिव की कहानी है जो एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब मैं नहीं कहूंगा कि रहस्य किसी एक केस पर आधारित थी जी, ये एक फिक्टिशियस कहानी है, हो सकता है इसका रियलिटी से कुछ मिलता जुलता हो, इसमें इसके स्क्रीन प्ले का कुछ मेल जोल हो रियलिटी से, मैं कह सकता हूं कि हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये किसी एक केस पर आधारित है जी, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा एक फिक्टिशियस कहानी है। अब मैं रहस्य को एक फ्रेंचाइज बना रहा हूं, एक रहस्य फिल्म हर साल आएगी जी, ये अलग अलग केसेस होंगे जिसको वही डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करेगा जी, तो ये मेरा फ्रेंचाइज रहेगा। सर, हॉलीवुड से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं आप? मैं क्रिस्टोफर नोलान का बहुत बड़ा फैन हूं जी, फिर मैं रिडले स्कॉट और ऑलिवर स्टोन और अल्फ्रेड हिचकॉक का बहुत बड़ा फैन हूँ, और राइटर्स में मुझे एगाथा क्रिस्टी काफी पसंद है जी, तो यही मेरा इन्फ्लुएंस है। मैं हिंदी पिक्चरें ज्यादा करके देखता नहीं हूँ जी, अभी मैंने देखना चालू की है, क्योंकि अभी बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो काफी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, तो अभी मैंने हिंदी फिल्म देखना चालू किया है, लेकिन कुछ साल पहले तक तो मैं हिंदी फिल्में बिल्कुल देखता नहीं था। अगर एक लाइन में बोला जाए तो अगर फिल्म रियलिस्टिक है तो आपको पसंद आएगी? बिल्कुल, रियलिज्म होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, एक्टर्स के बारे में जानेंगे अभी, अगर आजकल जो अप्रोच है, एक अगर कलाकार एक्टर अप्रोच करना चाहता है तो वो सोचते हैं कि डायरेक्टर को पहले अप्रोच किया जाए सो दैट दे कैन बी इन द फिल्म, तो वो सही रास्ता है या फिर कास्टिंग डायरेक्टर को फॉलो करने का? क्योंकि आजकल जितने भी स्ट्रगलर हैं वो यही सोचते हैं कि डायरेक्टर को फॉलो किया जाए पहले। देखिए, डिसीजन जो होता है वो तो डायरेक्टर के हाथ में होता है जी, कास्टिंग डायरेक्टर रिकमेंड करता है, वो ऑडिशन लेता है, वो ढूंढता है अप्रोप्रिएट एक्टर, लेकिन जो डिसीजन है वो डायरेक्टर के हाथ में होता है। तो सीधी सी बात है कि कोई एक्टर है जो चाह रहा है फिल्मों में घुसना, वो डायरेक्टर से डायरेक्टली टच में रहना चाहेगा, तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं, इसमें मैं कोई गलत नहीं समझता इसको जी। सर, आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे नेक्स्ट? मैं रहस्य का सीक्वल बना रहा हूँ अभी जी, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं रिवील करना चाहूंगा, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि रहस्य फिल्म का सीक्वल है। कब तक आ जाएगा सर ऑडियंस के सामने? ऑडियंस के सामने आते आते तो डेढ़ साल तक लग सकता है, डेढ़ साल का टाइम, डेढ़ साल तक लग सकता है। इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट जो है ना वो कम से कम 3-4 महीने लगेंगे, और मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट बताऊंगा मैं। सर, जो बिगनर्स हैं फिल्म बनाना चाहते हैं, फिल्म मेकर्स के लिए कोई एक ऐसा मैसेज, कुछ टिप्स जो आप देना चाहें प्लीज? अगर पुनर्जन्म में मानते हो तो दुआ करो कि अगले जन्म में आप किसी फिल्म फैमिली में बॉर्न हो, तो आपका रास्ता एकदम साफ हो जाएगा, सब आपके लिए आसान हो जाएगा जी। अगर नहीं मानते पुनर्जन्म में तो मैं आपको बताता हूँ क्या रास्ता है प्लीज। आपको फिल्म लाइन में आना है तो तैयार रहो, बाकी सब भूल जाओ, पैसा कमाना, फैमिली, ये वो सब भूल जाइए आप, क्योंकि ये बहुत कठिन लाइन है यहाँ, और इंडिया में ये लाइन बहुत ही ज्यादा डिसऑर्गेनाइज है। जैसे दूसरी फील्ड में आप एक डिग्री हासिल करते हैं, आप एक नौकरी पकड़ते हैं, तब आपकी प्रमोशन होती है, 5 साल बाद आपकी और प्रमोशन होती है, उस तरह से आप ग्रो करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो बहुत ही रैंडम और बिल्कुल ही राम भरोसे काम है जी,
तो इसलिए आप अगर इतने डिटर्मिंड हैं कि आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको घर बार नहीं चाहिए, आपको फैमिली नहीं बनानी है, बस आपको फिल्में ही बनानी है, तब आप आइए इस लाइन में और तब आपको सक्सेस मिलेगी 100%। आपके अगर कुछ दूसरे प्रायोरिटीज हैं तो मैं सोचूंगा फिल्म लाइन आपके लिए गलत चॉइस है, क्योंकि मेरे बहुत से असिस्टेंट्स हैं, बहुत से लोग जो मेरे साथ काम कर चुके हैं जी, वो फिल्म लाइन छोड़कर भाग गए, कोई अपने गांव भाग गए, कोई अपने नेटिव प्लेस भाग गए, किन्होंने कोई दूसरी नौकरी पकड़ ली जी, क्योंकि उनका कहना यह है फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, हमें रेगुलर इनकम नहीं मिलती है जी। उस पर मेरा सोचना यह है कि आप या तो रेगुलर इनकम के पीछे भाग सकते हैं या फिल्मों के पीछे भाग सकते हैं, क्योंकि फिल्मों का कोई भरोसा नहीं है। आपकी एक फिल्म चल गई तो आप निकल पड़ोगे, आपकी फिल्म नहीं चल गई तो आपको कोई पूछेगा नहीं, बिल्कुल। और ये तो बड़े बड़ों के साथ होता है, तो हम किस खेत की मूली हैं जी। बड़े से बड़े स्टार्स की फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो कोई आम आदमी कौन से खेत की मूली है, कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल दो नाव में पैर रख के नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं जी। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी बातें आपने दिल खोलकर हमसे की और डायरेक्शन के बारे में भी बताया। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मनीष गुप्ता जी, जिनका मानना है कि डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक फिल्म के चलने और ना चलने पे। आप देखते रहिए कैम फिल्म, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी फिल्मी हस्ती के साथ। प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।